जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तवंग क्लासेस पर। तो दोस्तों SSC GT एग्ज़ाम में हिंदी में आपको बता दूं, नौ टॉपिक से प्रश्न आते हैं ऑनली, ठीक है। नौ टॉपिक से प्रश्न आते हैं जिसमें हम यहां पर देखेंगे मुहावरे का अर्थ, ये हमारा एक टॉपिक है। और अगर बात करें 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे SSC GT एग्ज़ाम में, टोटल 118 क्वेश्चन मुहावरे से पूछे गए थे, तो वे सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हमारा टारगेट है कि हिंदी में हम 40 में से 40 लेके आए, इस बार आपका SSC GT एग्ज़ाम क्लियर होगा। यहां पर देखिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा PDF कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहां पर आपको वीडियो इसलिए देखना है क्योंकि जो आप सुनते हैं तो वह क्वेश्चन आपको जल्दी याद हो जाते हैं। तो पूरा क्वेश्चन एक बार पूरी वीडियो देखिए, और इसके बाद आप PDF भी हम बता देंगे कहां से डाउनलोड करना है, वहां से एक बार रिवीजन करिएगा, जरूर आपको होगा याद। तो आपको एक बार वीडियो पूरा ही सुनना है क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हर टॉपिक के आपको क्वेश्चन देंगे और एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन देंगे। 2021 के सभी क्वेश्चन एक टॉपिक का लेके आएंगे, ऐसे 2023 का कल आपको देखने को मिलेगा मुहावरे की वीडियो। आज 2021 के टोटल क्वेश्चन की है और कल 2023 के मुहावरे की मिलेंगे, ऐसे पर्यायवाची के मिलेंगे, विलोम शब्द के, एक शब्द के उत्तर, और इसके अलावा जो त्रुटि वाले क्वेश्चन होते हैं ये सभी क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हमारा पहला वीडियो है SSC GT 2024 के लिए हिंदी का। इसके अलावा मैथ की बेसिक से क्लासेस चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है मुहावरे का अर्थ सभी हम बताना है। तो डायरेक्ट हम इस प्रश्न को ना पढ़ते हुए सीधे मुहावरे के अर्थ पर ही पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा समय ना लगे और आपको याद जल्दी हो जाए। देखिए, हाथ मलना का अर्थ क्या होता है, मतलब पछताना। एक बार हाथ मलते ले जाना, मतलब हाथ मल रहे हो तो क्या कहलाता है, वहाँ पछताना ही कहलाता है। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ मलने का, पछताना कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका पहाड़ टूटना, मतलब भारी विपत्ति आना। तो पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, भारी विपत्ति आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मुहावरे का, यहाँ पर आपको बताना है सही युग्म कौन सा होगा, सही जोड़ी कौन सा होगा। तो देखिएगा, आंखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना, इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है होश उड़ना, मतलब राइस का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा डर जाना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है देवता कुछ कर जाना, ठीक है, इसका मुहावरे का अर्थ होगा घबरा जाना। देवता कुछ कर जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा घबरा जाना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है आंखों में धूल झोंकना, अर्थात धोखा देना होता है। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना होता है। और इन्हीं एग्ज़ाम से देखिए 2019 की भी हम कोशिश करेंगे कि सभी आपको टॉपिक की वीडियो दें। 2019, 2021, 2023 अगर आप इन एग्ज़ाम के ही ओनली हिंदी के क्वेश्चन पढ़ जाते हो तो आपके हिंदी में लगभग अगर बात करें तो 16 से 17 क्वेश्चन वहीं से रिपीट होंगे और यहीं से आपके सही हो जाएंगे। तो मेरे गारंटी है आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको SSC GT की फुल तैयारी फ्री में कराई जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है मैथ की, जो कि आपकी बेसिक से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप वहाँ पर जाकर डेली 9 बजे रात को एकदम बेसिक से क्लासेस चल रही है। देखिए नेक्स्ट है म्याऊं की ठोर पकड़ना, मतलब जोखिम का कार्य करना। मतलब क्या होता है ठोर पकड़ना, मतलब बिल्ली की जो गले की रस्सी है उसे या पकड़ना या घंटी पकड़ना। तो बिल्ली का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्ली के गले में हाथ डालना। चूहा अगर सोच ले कि बिल्ली की जो घंटी है उसे पकड़ना है, मतलब वह जोखिम भरा कार्य कर रहे हैं ना, क्योंकि बिल्ली उसे खा जाती है, तो ये क्या हो गया, जोखिम भरा कार्य करना चूहों के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हथेली पर दही जमाना, मतलब बहुत उतावली करना। ठीक है, हथेली पर दही जमाना मतलब मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत उतावली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख लगना, आँख लगना का मतलब क्या हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ होता है आँख लगना, नींद आ जाना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है आँख का काजल, आँख का काजल होना मतलब कि अत्यंत प्रिय होना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा होना, अत्यंत प्रिय होना। आँख का काजल मतलब अत्यंत प्रिय होना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है मुंह धो आना, मतलब कहते हो ना कि जा नाली में मुंह धो ले, इस प्रकार का आप कहते हो, तो ये क्या है, चुल्लू भर पानी में मुँह धो लेना, इस प्रकार से इसे कहते हो ना। तो भाई क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति से अगर आप आशा कर रहे हो तो आप कहते हो कि उससे आशा मत करो क्योंकि वो आपके काम नहीं आने वाला, मतलब मुंह धोआना, चुल्लू भर पानी में मुंह धो लेना या मुंह धोआना मतलब उससे आशा ना रखना, ये है एक प्रकार का ऐसे होता है। ओके, मुंह धोआना मतलब आशा ना रखना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है पूछा गया है पर निकलना, मतलब कि स्वच्छंद हो जाना। पर निकलना मतलब कि घमंड हो जाना या स्वच्छंद हो जाना, ये होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है आकाश के तारे तोड़ना, मतलब आकाश के तारे तोड़ना क्या काम, आपका आसान काम है क्या, नहीं असंभव काम है। आकाश में से कोई तारे तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से असंभव काम करना होता है। आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है असंभव काम करना।
नेक्स्ट देखिएगा, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, तो यह क्वेश्चन आपके 2023 में भी पूछा गया था। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विरोध में खड़ा होना, सिर उठा के कोई के सामने खड़ा हो गया मतलब उसका विरोध कर रहे हैं, तो सिर उठाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विरोध करना। तो ऐसे जब आप इस वीडियो को पूरा सुनते रहोगे तो सुनने से आपको ज़्यादा याद होगा, और उसके बाद एक बार आप PDF देख के रिपीट कर लोगे तो आपका बहुत ही अच्छी तरीके से हमेशा याद रहेगा, और यही क्वेश्चन रिपीट होंगे ये गारंटी हम लेते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, पूछा गया है लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता स्वीकार करना होता मुहावरे का अर्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खून सफ़ेद हो जाना, खून सफ़ेद हो जाना मतलब दया ना रहना, ठीक है, दया ना रह जाना, खून सफ़ेद हो गया मतलब कि अब किसी के प्रति दया नहीं रही है, ओके, तो खून सफ़ेद हो जाना मतलब दया ना रहना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है पूछा गया है नींद उड़ जाना मतलब जरा भी नींद ना आना, नींद उड़ जाना मतलब जरा भी नींद ना आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आँखें चार हो जाना, ठीक है, आँखें चार होना मतलब आमने सामने होना, जब व्यक्ति इधर भी है आमने सामने है तो इसकी भी दो आँख हो गई, इसे याद कर सकते हो, और इसकी भी दो आँख हो गई मतलब आँखें चार हो गई ना, आमने सामने होना मतलब कि आंखें चार होना, इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है मोहर लगा देना, ठीक है, मोहर लगा देना, अगर किसी कागज़ पे मोहर लग जाती है, कोई सील लग जाती है, तो वह क्या हो जाता है, वह कार्य कागज़ क्या हो जाता है, पुष्टि करना होता है, एक प्रकार से उसकी क्या हो गई, जांच हो गई, पुष्टि हो गई, तो यही मोहर लगा देना मतलब कि क्या हो जाता है, आपके कोई भी सील लग जाती है, मोहर लग जाती है, तो वह कागज़ की पुष्टि हो चुकी मतलब देख चेक हो चुका है। तो इस प्रकार से हम आपको जहां याद करने के लिए बताएंगे ट्रिक, वहां आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। मोहर लगाना मतलब क्या हो जाएगा, पुष्टि करना किसी भी चीज़ की। आग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है रूखापन, आग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, रूखापन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पूछा गया है घूस तय करना, इसका अर्थ क्या होगा मुहावरे का। देखिए, आपने किसी को घूस दे दिया मतलब वहाँ दरबार आपने बांध लिया है, मतलब फिक्स कर लिया है कि हमने वहाँ पर घूस दे दिया, तो आपको वहाँ पर क्या हो गया, वह दरबार आपका बंद गया है, आपके वहाँ पर क्या हो चुकी है, पकड़ हो चुकी है, तो क्या हो जाता है, दरबार बांधना घूस देकर, ओके, तो इस प्रकार से याद कर सकते हो। पानी का बुलबुला होना मतलब क्षण भंगुर होना, पानी का बुलबुला कितनी देर रहता है, पानी का जो ऊपर जो बुलबुला आता है बहुत ही कम मतलब कि बहुत ही कम समय तक रहता है, तुरंत फूट जाता है, तो क्या होना, क्षण भर में भंगुर हो जाना मतलब टूट जाना, तो क्षण भंगुर होना, पानी का बुलबुला मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, क्षण भर में भंगुर हो जाना मतलब क्षण भंगुर होना पानी का बुलबुला। नेक्स्ट देखिएगा, हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना, हवा से बातें करना मतलब हवा के बराबर दौड़ ले रहा है, तो क्या हो रहा है, बहुत तेज दौड़ना होता है, ओके, हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है काले तिल चबाना, ओके, काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ हो जाता है पराधीन होना, ओके, काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ हो जाता है पराधीन होना। नेक्स्ट देखिएगा, फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो फट पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा आपका यहाँ एकदम गुस्से में होना, किसी के ऊपर आप फट पड़े, किसी के ऊपर आप फट पड़ गए तो क्या हो जाएगा, एकदम गुस्से में आप फट पड़ते हो ना किसी के ऊपर, तो ऐसा याद कर सकते हो, फट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, एकदम गुस्से में हो जाना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है चिराग तले अंधेरा, ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो देखिए चिराग तले अंधेरा मतलब आपके ही पंडित के घर में मूर्खता का आचरण, ठीक है, पंडित ही है और चिराग तले मतलब चिराग है और उसके नीचे क्या है, अंधेरा है, परंतु ऊपर क्या जल रहा है, उजाला ही जल रहा है, तो इसी प्रकार से देखिए चिराग यानी दिया आपका ऊपर उजाला दे रहा है और उसके नीचे अंधेरा है, तो इसी प्रकार से क्या है, पंडित विद्वान होता है और उसके घर में क्या है, मूर्खता का आचरण होना, तो इसी प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है अच्छा बुरा सबको एक सा समझना का अर्थ क्या होगा, तो सब धन 22 पसेरी होना मतलब सभी एक समान होना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है सती सावित्री होना, तो सती सावित्री होना ये तो सभी को पता है, प्रतिव्रता होना मतलब प्रति के प्रति प्रेम भाव होना, ओके, सती सावित्री होना मतलब प्रतिव्रता होना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है पल्ला पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, किसी का पल्ला पकड़ लिया मतलब कि सहारा लेना उससे, ठीक है, किसी का हाथ पकड़ना पल्ला पकड़ना वही एक प्रकार से होता है, तो उससे सहारा लेना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कलेजे का टुकड़ा होना, किसी के कलेजे का टुकड़ा होना ये तो पता है कि अत्यधिक प्रेम होना या अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्यारा होना, ये सब होते हैं कलेजे का टुकड़ा होना। पट्टी पढ़ाना मतलब क्या होता है कि आप कहते होंगे सास बहू ये इसको पट्टी पढ़ा रही है, मतलब कि बुरी सलाह देना, क्या देते हैं, बुरी सलाह देना पट्टी पढ़ाना का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है पानी का बतासा होना, जो आपका पानी का बतासा होता है फुल्की जिसे कहते हैं आप लोग, वह क्या होता है, अगर पानी में डुबो दोगे तो क्षण भर में क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा, और ऐसे ही था पानी का बबुल जो आपका था, पानी का बबुल्ला होना मतलब कि जो आपका फुब्बारा होना पानी का, वह भी क्षण भंगुर था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है
भार जोखना, ठीक है, भार जोखना फालतू की आफत बनना यानी कि व्यर्थ समय खोना, ठीक है, व्यर्थ समय खोना होता है। भार जोखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, व्यर्थ समय खोना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भीगी बिल्ली बनना मतलब सहम जाना, ठीक है, सहम जाना मतलब कि क्या कह सकते हो, किसी के सामने एकदम नरम हो जाना, किसी के सामने, किसी ऑफिसर के सामने कोई कांस्टेबल क्या हो जाता है, नरम हो जाता है। इसी प्रकार से भीगी बिल्ली बनना मतलब सहन जाना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, पहाड़ टूटना मतलब, देखिए ये क्वेश्चन डबल से रिपीट हो गया है, ओके, और वहाँ पर कुछ अलग तरीके से पूछा गया था, यहाँ कुछ अलग तरीके से पूछा गया। तो पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत भारी कष्ट आ पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टस से मस ना होना मतलब तनिक भी प्रभावित ना होना। अगर यहाँ बैठा है तो टस से मस नहीं हो रहा मतलब इधर से इधर भी नहीं हो रहा, तनिक भी इधर उधर नहीं हो रहा मतलब तनिक भी प्रभावित नहीं हो रहा, यहीं के यहीं बैठा है। तो टस से मस ना होना मतलब तनिक भी प्रभावित ना होना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दाहिना हाथ होना मतलब बहुत सहायक होना, ओके, दाहिना हाथ होना मतलब बहुत सहायक होना, दाहिना हाथ होना किसी का मतलब बहुत ज्यादा सहायक होना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, रंग लाना, ठीक है, रंग लाना मतलब प्रभाव उत्पन्न करना। अगर कोई आप जैसे एसएससी जीडी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यदि आप लोग इसमें पेपर में और फिजिकल में और सभी में अच्छा मेहनत करोगे तो रंग ला दोगे, तो मतलब कि प्रभाव उत्पन्न करना, एसएससी जीडी में आपने सिलेक्शन लिया तो वही प्रभाव उत्पन्न किया है, तो रंग लाना मतलब कि प्रभाव उत्पन्न करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में तीर चलाना मतलब अंधेरे में आपको कुछ दिख नहीं रहा और आप तीर चला रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आपको पर यहाँ लक्ष्य दिख नहीं रहा है कि यहाँ तीर चलाना है और पूरा अंधेरा है, दिख नहीं रहा किधर भी आप तीर चला रहे हैं, इधर इधर, तो ये क्या कर रहे हैं, लक्ष्य के, लक्ष्य आपका ये है परंतु लक्ष्य के किधर भी आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, आपको लक्ष्य तो दिख ही नहीं रहा है, तो लक्ष्य विहीन प्रयास कर रहे हैं, मतलब लक्ष्य पर प्रयास नहीं कर रहे, लक्ष्य के हीन ही प्रयास कर रहे हो, तो लक्ष्य विहीन प्रयास करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, नाक भो सिकोड़ना, नाक भो सिकोड़ना मतलब घृणा करना होता है। आप किसी को देख के ऐसे नाक मोड़ लेते हो, मतलब कि वही नाक और भो को सिकोड़ लेते हो, तो कैसे उससे घृणा कर रहे हो, जब तो नाक मोड़ लिए, तो वही नाक भो सिकोड़ना मतलब घृणा करना किसी से, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए सभी, अगर बात करें पीडीएफ में से एक एक क्वेश्चन छाट के लाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया कॉन्टेंट मिलने वाला है एसएससी जीडी के लिए, सभी 2019 2021 2023 इनके ऑल टॉपिक के क्वेश्चन आपको एक एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, लगभग सभी क्वेश्चन देने की हम कोशिश करेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा मैथ का क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, मैथ की क्लासेस रोज आपको 9 बजे रात को मिलती है, वहां पर एकदम बेसिक से चलाया जा रहा है, नंबर सिस्टम की 4 क्लास हो चुकी है, वहां पर आप जाके देख सकते हो, और आपको सभी टॉपिक जो टॉपिक है यहां पर कराए जाएंगे, एकदम बेसिक से कराया जा रहा है। इसके अलावा कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां से मैथ आपका सभी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा गया है, हाथ पैर मारना मतलब कि आप देखते हो कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 3-4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब सभी दूर क्या कर रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, मतलब सभी में प्रयत्न कर रहे हो, तो प्रयत्न करना होता है। हाथ पैर मारना मतलब एक प्रकार से सभी एग्ज़ाम का प्रयत्न करना, हाथ पैर मार रहे हो सभी दूर, तो यही होता है। नेक्स्ट देखिए, आपस सिर पर लेना मतलब कि झगड़ा मोल लेना, आपस सिर पर ले लिया मतलब झगड़ा मोल लेना होता, सिंपल सा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, पानी फेर देना मतलब कोई काम आप कर रहे हो और कोई दूसरा आके उस पर क्या कर दे रहा है, पानी फेर दे रहा है, मतलब वह काम आपको बिगाड़ दे रहा है, क्या कर दे रहा है, पानी फेरना मतलब बिगाड़ देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नमक हलाल का मतलब क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित अर्थ नहीं है, मतलब कि ये गलत होगा। तो देखिए, कलम ना रुकना मतलब लिखते ही रहना होता है, और कलम दान देना लिखने की नौकरी करना होता है, ओके, कलम ना उठ सकना लिख ना सकना, ये सब सही है, बाकी कलम कसाई का मतलब कलम तोड़ना नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, गाल फुलाना मतलब जो गाल फुला के बैठ जाते हैं, मुँह फुला के बैठ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वह रूठ जाता व्यक्ति, तो वही क्या हो जाएगा, रूठना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीठी छुरी चलाना मतलब विश्वासघात करना होता है। मीठी छुरी चलाना मतलब आप जैसे कि मीठी छुरी आपका एक फ्रेंड है और आपका एक और दोस्त है, ठीक है, ये आपके साथ क्या कर रहा है, मीठी छुरी चला रहा है, मतलब कि आपके साथ तो है परंतु जब साथ की जरूरत पड़ेगी वह क्या कर देगा, विश्वासघात कर देगा, तो यही मीठी छुरी चला रहा है, आपके साथ रह रहा है परंतु आपके साथ विश्वासघात करने के लिए रह रहा है, तो मीठी छुरी चलाना मतलब मीठी मीठी बातें कर रहा है परंतु आपके साथ विश्वासघात कर देगा, तो वही क्या है, मीठी छुरी चलाना मतलब विश्वासघात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पगड़ी उछालना मतलब कि आपकी जो सिर की पगड़ी रहती वही आपका सम्मान रहता है, ओके, और इसको उछाल देना मतलब क्या हो जाएगा, आपको अपमानित करना, पगड़ी उछाल देना मतलब अपमानित कर देना होता है। नेक्स्ट देखिएगा,
दिन दूना रात चौगुना, ठीक है। दिन में भी क्या हो रहा है, दुगुना लाभ हो रहा है, और रात में भी चौगुना लाभ हो रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, दिन में दोगुना लाभ हो रहा है, रात में चौगुना लाभ हो रहा है। तो आपको दो प्रकार से लाभ ही लाभ हो रहा है, मतलब खूब उन्नति हो रही है ना, खूब उन्नति होना, खूब लाभ होना या खूब उन्नति होना। दिन दूना रात चौगुना, दिन में भी दोगुना लाभ हो रहा है, रात में भी दोगुना चार गुना लाभ हो रहा है, मतलब खूब उन्नति हो रही है, खूब लाभ हो रहा है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है जूतियों में दाल बांटना, ठीक है। जूतियों में दाल बांटना, अगर बात करें इसका कैसे याद कर सकते हैं, आपके पास जूते हैं उसके अंदर चार छः दाल के दाने डाल दोगे तो क्या होगा, जब हिलाओगे तो आपस में टकराएगी, तो क्या होगा, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में क्या हो रहा है, टकराएंगे। तो जूते जो होते हैं उसके अंदर दो चार दाल डाल दें या 20-30 दाल डाल दें तो आपस में हिलाओगे तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े ही होंगे ना, उनमें टकराव होगा, तो वह क्या होगा, आपस में लड़ाई झगड़े होना। जूतियों में दाल बांटना मतलब लड़ाई झगड़े होना। आधे से ज़्यादा मैं आपको ट्रिक से ही याद करवा दूंगा, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखें। और उसके बाद एक बार पीडीएफ जो कि आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके 5 घंटे बाद आपको वहां पीडीएफ कहां देखने को मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप पहले वीडियो देखिए, उसके 5 घंटे बाद पीडीएफ डाउनलोड करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, आपको वहां से सभी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बेकार जीवन बिताना। ठीक है, जीवन में आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ पापड़ ही बेल रहे हो, मतलब कि पापड़ बेलते हुए जीवन गुजार रहे, मतलब बेकार जीवन जीना होता है। तो पापड़ बेलना मतलब एक प्रकार से बेकार जीवन बिताना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, गर्दन पर सवार होना, मतलब किसी के गर्दन पर सवार होना। आपका एक फ्रेंड है और ये एक फ्रेंड है, तो आपके साथ ही मतलब हमेशा क्या रहता है, गर्दन पर सवार रहता है, मतलब पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, मतलब साथ में ही रहता है, गर्दन पर सवार होकर चल रहा है, मतलब कि एक प्रकार से पीछा ना छोड़ना। नेक्स्ट देखिएगा, क्रोध में लाल हो जाना मतलब कि आग बबूला होना। जब कोई व्यक्ति आग बबूला होता तो क्या होता, बहुत ही क्रोध में रहता है, तो वही क्रोध में लाल होना वाला मतलब कि आग बबूला होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, पो बारह होना। ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे दिन दोगुना, दिन दूना और रात चौगुना वाला है ना, वही वाला है, ठीक है, दिन दूना और रात चौगुना, यही क्वेश्चन है। बस इसमें देखिएगा, पो बारह होना और दिन दूना और रात चौगुना, ठीक है, पो बारह होना, दिन दूना और चार चौगुना वाला क्या है, खूब लाभ होना या खूब उन्नति होना। ओके, ये दोनों याद कर लेना, और ये बहुत बार पूछा जाता है पो बारह होना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, माथा ठनखनाना मतलब संशय होना, ठीक है, क्या होना, एक प्रकार से माथा ठनखनाना मतलब संशय होना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है, चुलू लहू पाई पीना, ठीक है, बहुत मतलब लहू पीना, मतलब एक प्रकार से आँख का बबूला, मतलब जो आता है लहू, क्या होता है, लोहे को पिघलाया जाता है तो वही लहू होता है, तो एक प्रकार से बहुत कष्ट देना होता है किसी को, ठीक है, बहुत कष्ट देना होता है, पिघलाना किसी व्यक्ति को तो बहुत कष्ट देना होता है। नेक्स्ट देखिए, ईद का चांद होना, ये तो पता है कि ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद ईद का चांद दिखता है, मतलब बहुत समय बाद दिखाई देना कोई व्यक्ति, तो ईद का चांद हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, तीन तेरा करना मतलब आपको पता है, कोई व्यक्ति आपको पैसा उधार लिया है, ठीक है, ये व्यक्ति ने इसको पैसा उधार दिया है, तो ये क्या है, बार बार कह रहा है कि मैं आपको दूसरे दिन दे दूंगा, तीसरे दिन दे दूंगा, चौथे दिन, ऐसे करते करते क्या कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, टालना, मतलब एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, इसको टालना भी कह सकते हैं। तीन तेरा करना मतलब कि इधर उधर करना या टालना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मुट्ठी गर्म करना, अगर कोई अधिकारी को कोई काम करवाना है तो उसकी अगर तुमने मुट्ठी गर्म कर दी, पैसा दे दिया, रिश्वत दे दिया, तो वह काम आपका आसानी से हो जाएगा, तो मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर है, गीदड़ भपकी देना, मतलब गीदड़ की तरह क्या है, भपकी देना मतलब झूठी धमकी देना। गीदड़ कैसे बोलता है, आपने देखा होगा मुगली वाला नाटक, उसमें बताते हैं, गीदड़ भपकी देना मतलब गीदड़ फालतू की भपकी देता है, मतलब झूठी धमकी देता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उल्टी गंगा बहना मतलब कि उल्टा काम होना, प्रतिकूल का मतलब उल्टा काम होना, अनुकूल का मतलब सीधा काम होना, तो वही उल्टी गंगा बहना मतलब प्रतिकूल काम होना, कोई भी काम क्या होना, उल्टा हो जाना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकना मतलब कि समय व्यर्थ खोना होता है, ठीक है, फालतू के भाड़ झोंकना मतलब कि क्या कहलाता है, ये दो तीन व्यक्ति खड़े हैं फालतू के आवारा जैसे, ये क्या है, चौराहे पर खड़ के फालतू का समय खराब कर रहे हैं, भाड़ भर रहे हैं फालतू में, तो क्या है, एक प्रकार से समय ही व्यर्थ कर रहे हैं ना, तो भाड़ झोंकना मतलब समय व्यर्थ करना होता है। देखिए नीचे, आंखें नीची होना मतलब कि किसी के सामने एक व्यक्ति है और इसके सामने एक अपमानित व्यक्ति आ रहा है, तो वह क्या इसके सामने आंखें नीची कर लेगा ना, ये तो सम्मानित व्यक्ति है और ये किसका अपमान ही नहीं है पहले से, मतलब इसका सम्मान नहीं है, तो इसके सामने क्या रहेगा, ये आंखें नीची करके जाएगा, लज्जित है, इसलिए क्या है, आंखें नीची होना मतलब लज्जित होना किसी के सामने। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, छप्पड़ फाड़ कर देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बिना प्रयत्न प्राप्त हो जाना, मतलब ऊपर वाला कहता है कि छप्पड़ जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता, मतलब कि किसी को
बिना प्रयत्न के ही कोई भी चीज़ प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब कि बहुमत से अलग रहना, ठीक है। फालतू में बीच में देखिएगा दो व्यक्ति का चुनाव है, उसमें एक और आ गया है और आधे भी चुनाव नहीं मतलब आधे भी वोट नहीं मिले, तो ये क्या है? चुनाव से एक प्रकार बहुमत से पहले ही अलग है, फल पर बीच में टांग अड़ा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब बहुमत से अलग रहना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है आँखों में सरसों फूलना विवेक ना होना। अगर आँख में आपकी बता दे एक सरसों का दाना डाल देंगे तो क्या होगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब आपको प्रिय नहीं लगेगा, तो वही विवेक ना होना। ओके, खुशी ना होना, क्या होना? विवेक ना होना मतलब प्यारा ना लगना, ठीक है। आंखों में सरसों फूलना मतलब प्यारा ना लगना या विवेक ना होना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सांप शतुंदर की गति होना मतलब असमंजस की स्थिति होना, ठीक है। असमंजस की स्थिति होना, सांप शतुंदर की गति होना। नेक्स्ट देखिएगा, मन मेला करना मतलब कि घिन होना, ठीक है। किसी चीज़ को देखकर मन मेला हो रहा है मतलब कि उससे घिन हो रही है आपको, तो वही मन मेला करना मतलब घिन होना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है पत्थर की लकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पत्थर की लकीर होना यह पुराने ज़माने में रहता है कि मेरी बात एकदम पत्थर की लकीर रहेगी, मतलब कि बात एकदम पक्की होना। क्या होना? बात एकदम पक्की होना। आजकल बात एकदम पक्की नहीं रहती, ये तो पता है सभी को। देखिए भाड़ जोकना अभी बताया था, चौराहे पे तीन चार लोग खड़े, वही भाड़ जोकने वाली बात, तो व्यर्थ समय करने के लिए खड़े। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नाक कटना मतलब किसी व्यक्ति के सामने किसी की नाक कट जाना मतलब कि उसकी क्या होना? बदनामी होना या अपमानित होना या आप कह सकते हो कि लज्जित होना, वही क्या हो जाएगी? नाक कटना मतलब बदनामी होना। नेक्स्ट देखिएगा, आँख खुलना मतलब क्या हो जाता है? सावधान होना, ठीक है। आँख खुलना मतलब किसी व्यक्ति की जब आँख खुलती है तो वह सावधान हो जाता है। सभी दो व्यक्ति है, ये इसके साथ क्या करा है? विश्वासघात करा है, तो इसकी आँख खुल गई, ठीक है। इस व्यक्ति की आँख खुल गई मतलब वो इस व्यक्ति से हमेशा क्या रहेगा? सावधान रहना, मतलब आँख खुलना मतलब सावधान होना। नेक्स्ट देखिएगा, जी को रोग लगाना मतलब फिक्र में रहना। ओके, किसी के जी को रोग लगाना मतलब कि फिक्र में रहना होता है, किसी के प्रति फिक्र करना मतलब कि जी को रोग लगाना होता है, ठीक है। मेरा जी नहीं मान रहा ऐसा कहते हैं ना, बस वैसे ही होता है। उल्टे पाँव लौटना मतलब निराश होकर लौटना, ठीक है। कोई भी काम करने गए और उसमें आप क्या हो गए? फेल हो गए, तो क्या हो गए? वापस आप उल्टे पाँव आओगे और वही निराश होकर लौटना है। उल्टे पाँव लौटना मतलब निराश होकर लौटना। हवाई किले बनाना तो मात्र कल्पना करते रहना, आप सपने में सोचते हैं, दिन में ही बैठे बैठे सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, मतलब क्या कर रहे हो आप? एक प्रकार से बस सोच ही रहे हो, हवा में हवाई किले बना रहे हो, तो वही मात्र कल्पना करना मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है चूना लगाना मतलब धोखा देना। किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति चूना लगा देता तो उसको धोखा ही तो दिया है, तो धोखा देना होता है। नेक्स्ट देखिए, कमर कसना मतलब अब आपको कमर कस लेना चाहिए। आपके सामने SSC GD एग्ज़ाम है, तो आपको कमर कस लेना चाहिए कि हमें इसके लिए तैयार होना है। क्या होना है? इसी एग्ज़ाम के लिए हमें तैयारी करना है, मतलब तैयार होना, कमर कस लेना, एकदम तैयार हो जाना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है सब जो बाग दिखाना तो मतलब अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना, ठीक है। किसी को क्या दिखाना? सब जो बाग मतलब बाग बगीचे मतलब कि एक प्रकार से किसी को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रसन्न करना, सब जो बाग दिखाना मतलब उसको फुलाना, तो अच्छी अच्छी बात कहकर क्या कहलाता है? बहकाना कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विष उगलना मतलब द्वेषपूर्ण बात करना। कोई व्यक्ति है, सामने वाले व्यक्ति के प्रति क्या कर रहा है? बात तो कर रहा है, पर कैसी बात कर रहा है? कटु कटु बात कर रहा है, मतलब एकदम जटिल बात कर रहा है, जिससे इसको क्या लग रहा है? एकदम बुरा लग रहा है, तो वही इसके मुंह से क्या उगल रहा है? विष उगल रहा है, मतलब कि द्वेषपूर्ण बात कर रहा है, मतलब उसको बुरा लगने वाली बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है खोदा पहाड़ निकली चुइयां, मतलब कि यहाँ पर देखिए खोदा पहाड़ और निकली चुइयां मतलब बहुत बड़ा पहाड़ खोदा और निकली क्या? चुइयां ही निकली है, तो अधिक परिश्रम करने के बाद साधारण सा लाभ होना, ठीक है। अधिक परिश्रम कर रहा है कोई व्यक्ति, CGL की तैयारी कर रहा है, ओके, और वह खूब अधिक तैयारी कर रहा है और उसके बाद उसकी सिर्फ GD में ही नौकरी लगती, मतलब तैयारी तो किसकी कर रहा था? CGL की कर रहा, पर नौकरी किसमें लगी? GD में लगी, तो क्या हो गया? अधिक परिश्रम कर रहा था, लगी क्या है? JD में ही छोटी नौकरी मिली, तो वही खोदा पहाड़ निकली चुइयां मतलब अधिक परिश्रम के बाद साधारण सा लाभ होना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद लूटना, ठीक है। ये तो याद हो जाएगा, लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद लूटना। भागीरथ प्रयत्न करना मतलब भारी कोशिश करना, ठीक है, खूब ज़्यादा प्रयत्न करना या भारी कोशिश करना, भागीरथ प्रयत्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ढाक के तीन पात मतलब सदा एक ही दिशा में रहना, ठीक है। ढाक के तीन पात मतलब कि सदा एक ही दिशा में रहना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है
गुरु घंटाल होना मतलब कि बहुत दूर धूर्त होना मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होना, जैसे अपन कहते हैं गुरु घंटाल हो गया मतलब कि वो तो आवारा हो गया, ये हो गया तो ये क्या हो गया, बहुत ही बदमाश होना या धूर्त होना या क्या कहते हैं बदमाशी पे उतर आना, वही बहुत बदमाश होना गुरु घंटाल होना। नेक्स्ट देखिएगा गर्दन उठाना मतलब कि विरोध करना होता है, ठीक है, किसी के सामने सिर उठाना मतलब कि विरोध करना होता है। अभी हमने पढ़ा था आप गर्दन उठाना मतलब कि सामने गर्दन उठा के खड़ा है तो उसका विरोध करने के लिए खड़ा है। ओके नेक्स्ट देखिएगा कान भरना मतलब चुगली करना होता है, कान भरना किसी के कान भर रहे मतलब कि चुगली करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा मुहावरे का अर्थ है सिगुफा खिलाना मतलब कि विलक्षण घटना का घटित होना, ठीक है, विलक्षण घटना का घटित होना मतलब कि ऐसी कोई लक्षण नहीं थे कि वह घटना घटेगी परंतु वह घटित हो गई है। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट पूछा गया है हवा से बातें करना मतलब तेज गति से चलना होता है, ठीक है, तेज गति से दौड़ने वाला पहले पूछा गया था, तेज गति से चलने वाला पूछा गया है हवा से बातें करना, ठीक है। हथेली पर सरसों उगाना मतलब देखिए अभी आँख पर सरसों था तो वह क्या था, एक प्रकार से विवेक ना होना, ठीक है, आँख पर सरसों था तो क्या था विवेक ना होना मतलब प्यारा ना होना, ठीक है, एक प्रकार से प्यारा ना होना, आँख में सरसों रहेगी तो, परंतु हथेली पर सरसों उगाना असंभव काम को संभव कर देना। हथेली पर अगर आप लोग घनसारी सरसों रख सकते हैं तो एक प्रकार से क्या हथेली पर सरसों उगा लिए तो ये क्या है एक प्रकार से असंभव था ना, तो वही असंभव काम को संभव कर लेना। नेक्स्ट देखिएगा फूल झड़ना मतलब कि किसी के मुंह से जब फूल झड़ना यानी कि प्री वचन निकलने लगे तो वो क्या हो रहा है फूल झड़ना मतलब प्री वचन बोलना मतलब फूल झड़ना। नेक्स्ट देखिएगा पो बारा होना मतलब खूब लाभ होना, अभी वहाँ पर क्या था खूब उन्नति होना था और पो बारा का मतलब क्या हो गया खूब लाभ हो गया, और दिन दूना चार चौगुना भी हुई खूब उन्नति होना खूब लाभ होना खूब ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता उसे ही कहते हैं। ओके भेड़ बना लेना मतलब बस में कर लेना, भेड़ जिसकी रहती है वह क्या रहती है उसके बस में रहती है, तो भाई किसी व्यक्ति को भेड़ बना लेना मतलब कि बस में कर लेना होता है। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गागर में सागर होना मतलब थोड़े में बहुत कुछ कहना, ठीक है, गागर में सागर का मतलब थोड़ा बहुत पढ़ो परंतु वो इतना पढ़ लो कि वही एग्जाम में आए, तो गागर में सागर का मतलब क्या हो जाएगा थोड़े में बहुत कुछ कहना। नेक्स्ट देखिएगा कुछ कर जाना मतलब मर जाना होता है, ये तो पता है। चारपाई पकड़ना मतलब जब व्यक्ति चारपाई पकड़ता है तो क्या हो जाता है बीमार होना होता है। ओके नेक्स्ट देखिएगा मुंह पर ठेनी देना मतलब कि कुछ ना बोलने देना, ठीक है, ठेप्पी देना मतलब कि बंद कर दिए, ठिप्पी दे दिए, मुंह बंद कर दिए। नेक्स्ट देखिएगा पूछा गया है चादर से बाहर पैर पसारना मतलब आय से अधिक व्यय करना, आप ये चादर है इसके अंदर आपके अंदर जितनी भी इनकम है इसी के अंदर है तो इसी में खर्चा करिए, अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो अपनी आय से अधिक खर्चा कर रहे हो। ओके तो यही चादर से पैर पसारना है, जितनी गोदड़ी है उतने ही हमें पैर फैलाना चाहिए, इस तरीके की कहावत है ना, तो वही ये चादर से बाहर पैर पसारोगे मतलब अपनी आय से अधिक जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा व्यय कर रहे हो। तो वही आँख दिखाना मतलब गुस्सा प्रकट करना, किसी को आँख दिखाकर अपना गुस्सा प्रकट करना होता है। ओके नेक्स्ट देखिएगा हथियार डालना मतलब कि पराजय स्वीकार करना होता है। ओके हथियार डालना किसी के सामने ये राजा एक खड़ा है और एक राजा ये खड़ा है, ठीक है, अब इसके सामने ये झुक गया मतलब अपने हथियार नीचे रख दिया है, ठीक है, जैसे आप कहते हैं सिलेंडर कर देना, ये गोली बंदूक बंदूक आप देखते होंगे मूवी में नीचे रख देता है सामने वाले के सामने, तो क्या हो गया पराजय स्वीकार कर लिया इसने, इसके सामने इनने पराजय स्वीकार कर लिया, तो हथियार डालना मतलब उसके सामने हथियार नीचे रख दिया, पराजय स्वीकार करना हथियार डालने का मतलब। बखिया उधेड़ना मतलब कि जो पुरानी बातें हैं उसको उधेड़ना मतलब भेद खोलना, ठीक है, लहेज से खोलना। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर देखिएगा घर की मुर्गी दाल बराबर, तो क्या हो गया घर की वस्तु को तुच्छ समझना, ठीक है, घर की मुर्गी क्या रहती है अगर घर में समझदार यानी कि पंडित रहे तो उसे भी हम क्या समझते हैं मूर्ख ही समझते हैं मतलब छोटा समझते हैं, परंतु दूसरे पंडित को हम विद्वान समझते हैं, तो घर की वस्तु कैसी रहती तुच्छ समझते हैं, घर की वस्तु को हम तुच्छ ही समझते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है लंगोटी में फाग खेलना दरिद्रता में आनंद लूटना मतलब कि आपके पास कुछ है नहीं वही गीला आटा आटे में गीले आटे में पानी डालना, तो वह क्या हो जाएगा एक प्रकार से दरिद्रता में आटा ही आनंद ही लूटना होता है ना। नेक्स्ट देखिए आंखें चुराना मतलब कि आपके सामने कोई व्यक्ति जा रहा है और इधर भी जा रहा है और ये रास्ता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर जा रहा है, ओके, और जब देख लिया इनने आपको देख लिया इस व्यक्ति ने आपको देख लिया तो आंखें चुरा के वो क्या होगा अनदेखा करके साइड से निकल जाएगा, तो वही आंखें चुराना मतलब अनदेखा करना होता है। छट्टी का दूध याद आना मतलब कि संकट के समय पिछले सुख की याद आना। ओके नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट पूछा गया है एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना मतलब कि एक ढेले से दो चिड़िया मारना, वही एक ढेला मारा परंतु दो काम हो गए दो लाभ हो गए ना, तो दो चिड़िया मर गई, एक ही मारना था परंतु दो मर गई तो एक ही पत्थर से क्या हो गया दो काम हो गए, तो वही एक काम से दोहरा लाभ होना मतलब एक ढेले से दो चिड़िया मारना।
नेक्स्ट देखिएगा, हुक्का पानी बंद कर देना मतलब जाति से निकाल देना। पहले कहते थे इसका हुक्का पानी, जो नीची जाति का है जो ऊपरी जाति का है, तो कहते कि इसका हुक्का पानी बंद कर दो, तो मतलब कि जाति से निकाल देना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हाथ मलना मतलब पछताना जीवन में। ओके, फिर हाथ मलते ले जाओगे जब जीडी एग्जाम निकल जाएगा तो सिर्फ हाथ मलने रहेगा और पछताना ही रहेगा, तो वही इसलिए पढ़ाई जोरदार करना है। रास्ता देखना मतलब कि प्रतीक्षा करना होता मुहावरे का, ठीक है। किसी का रास्ता देखना मतलब कोई व्यक्ति आ रहा है तो आप उसका रास्ता देख रहे हैं या उसकी प्रतीक्षा करना। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है भागीरथ से श्रम करना या प्रयत्न करना, तो अत्यक या अथक प्रयत्न करना होता है। नेक्स्ट देखिए, आपे में आना मतलब होश में आना। ओके, आपे में आना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा होश में आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कांटों पे लौटना मतलब बेचैन होना, ठीक है। अगर कांटे पे लौटोगे तो बेचैन होना वही कहलाता है। कांटों पे लौटना मतलब कष्ट में लौटना या बेचैन होना ये होता है। पांव उखाड़ना मतलब हार कर भाग जाना, ठीक है। पांव उखाड़ना, उखाड़ना मतलब कि एक प्रकार से पांव पीछे की ओर लेना और भाग जाना, मतलब हार कर भाग जाना, पांव उखाड़ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछा गया है आदर और निरादर करना मतलब पान पर नहीं खिलाना, ठीक है। पान पर नहीं खिलाने का मतलब पूछ लिया जाता है, तो आदर और निरादर करना होता है। किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति को आदर देना, फिर उसके बाद क्या करना, पान खिला दिए जब आदर दिए, और पनही करना मतलब कि क्या हो जाएगा, जब पान खिलाएंगे तो आदर दे रहे हो, उसको पान खिलाया जा रहा है तो आदर, और पनही करना मतलब क्या हो जाएगा, निरादर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आग में कूदना मुहावरे का अर्थ होगा मतलब आग में कूद गए तो जान जोखिम में ही डालना होता है ना, तो आग में कूदना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, जान जोखिम में डालना होता है। आग लगना मतलब कि आँख लगना क्या हो जाएगा, झपकी आना। आँख लगी मतलब आपको नींद आ रही है, झपकी आना। खून का खूट पीना मतलब गुस्सा पछा जाना, जो खून आपका उबल रहा है, खूब गुस्सा आ रहा, आपको क्रोध आ रहा, आपका खून उबल रहा है, पर वो घूट जो है, खून का घूट क्या हो गया, जो गुस्सा आने वाला खून है उसको पीना मतलब गुस्सा को पछा जाना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है पसीना पसीना होना मतलब कि शर्मिंदा होना। किसी के सामने आपके पसीना पसीना छूट गया तो वह क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति के सामने आप शर्मिंदा हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट हो गए, 118 क्वेश्चन यहाँ पर, 118 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए दोस्तों। ये हमारी 2021 में पूछे गए SSC GD के 118 क्वेश्चन थे। कल की वीडियो में आपको 2023 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, हमारी आधी वीडियो बन गई है, आधी आज बन जाएगी, कल आपको 2023 में पूछे गए सभी मुहावरे के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद हम हो सका तो 2019 के भी कंप्लीट करके आपको देंगे। पहले मुहावरे पूरे कंप्लीट कर लेंगे एक लाइन से, फिर पर्यायवाची करेंगे, फिर विलोम शब्द करेंगे, एक शब्द के उत्तर करेंगे, त्रुटि वाले क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा जो संज्ञा सर्वनाम के 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे, 9 टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 टॉपिक हमने पिछली बार आपको बताया था कौन से टॉपिक से, हमने पिछली बार प्रैक्टिस सेट भी करवाया था, वहां पर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2023 की तैयारी आपको फुल करवाई गई थी। इसके बाद अगर 2024 की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं तो मैथ की क्लासेस रोज रात को 9 बजे लाइव चलती है, वहां पर एकदम बेसिक से किसी भी एग्जाम के आप मैथ की तैयारी कर रहे हो तो मैथ वहां से आपको ऑलरेडी बनेगा और आपकी ही देसी भाषा में बताया जा रहा है, आपको बिल्कुल आपकी भाषा में समझाया जा रहा है, समझ में बिल्कुल आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।